माफ कीजिएगा, बारिश हो रही है, इंजॉय कर रहा हूँ, छाता नहीं है मेरे, आपके पास है, शेयर करेंगे? जी, मेरा नाम गोविंद है, पुणे से आया हूँ, आज से बुकिंग है मेरी यहाँ 3 महीने के लिए, एडवांस मनी ऑर्डर से भेज चुका हूँ, ये रिसीट है, माफ कीजिएगा थोड़ी देर। सॉरी। मिला जी, अभी तक तो नहीं, पर कहीं ना कहीं तो मिल जाए। वैसे क्या काम ढूंढ रहे हैं आप? गिटार बजाने का? जी। फिल्मों में या होटल में? वैसे आप होटलों में बैंड में भी बजा सकते हो। थैंक यू, वहां भी ट्राई करूं। अजीब है, आप आपसे कोई बात कर रहा है और आप उसकी तरफ देख भी नहीं रहे हो। अब जो आपने देखा उसके बाद मैं आपको कैसे देखूं? मैंने जो देखा, आपको इतना शर्माने की जरूरत नहीं। शर्मानी चाहिए आपको किसी लड़की से इस तरह बात करते हुए? एक्सक्यूज मी, वैसे अभी कब रुकती? बस अभी आने वाला स्टॉप पे रुकती है। कल की लड़कियां बहुत ही फॉरवर्ड हो गई। देखिए, अब और क्या देखना है आपको? बहुत हो गया, इसे हमें खत्म करना चाहिए। शर्मा, मैं रही हूं या आप? देखिए, इसे खत्म करने का सिर्फ एक ही तरीका, जिस तरह आपने मुझे, जी उसी तरह मैं भी आपको। आपसे होगा नहीं, अगर मेरी खिड़की खुली भी होगी तो आप देखेंगे नहीं। पूछ रही थी तुम्हारे बारे में। अच्छा? कह रही थी वो हैंडसम लड़का कौन है, क्या करता है? आपके खानदान में सभी लड़कियां ऐसी? वो अपने बारे में नहीं, मेरे लिए पूछ रही थी। और इसमें इतना सरप्राइज होने वाली क्या बात है? मैं 1960 की लड़की हूँ, अपने डिसीजंस को लूंगी। जी जी, और मेरे लिए भी साथ में ले रही हैं। पहले डिसीजन तो मैं ही लूंगी ना। आपको नौकरी मिली? ऐसे ही रहा ना तो आपको कोई लड़की नहीं मिलने वाली।
चाची से कहिए, मिल गई। मैडम आपके गेस्ट हैं, मैं उन्हें अंदर लाऊंगा, आप 5 मिनट वेट कराऊं। चाय लेकर आए। जी जी। तुझे रुका कितना बुद्धू, आई एम सॉरी। मुझे तुझे कुछ बताना है। मुझे भी। हाँ पहले मैं किसी से मिली हूँ। मैं भी। हाँ मेरे कंपार्टमेंट में जबरदस्ती घुस आया, मेरे सामने वाले कमरे में रहने आया है। थोड़ा सा आकड़ू है, बहुत शर्माता है, ऐसे पेश आता है जैसे कोई बहुत बड़ा फिल्म स्टार हो। पहले सोचा बदमाश है पर बहुत ही शरीफ है, मुझे उसकी यही बात पसंद आती है। पसंद है? तुझे देख उसके बारे में बात कर रही, कितना स्माइल कर रही है। तो उसके सामने कैसी होती होगी? खुदा के देख लेना। सच? प्रेमिया पे। लेकिन तुझे भी अपने पड़ोसी को लाना पड़ेगा। ओके ओके ओके। मैंने तो आपको पहले दिन से ही अपना मान लिया, अब आप नहीं समझ रहे तो मैं क्या? What's going on? मीरा, what the hell are you doing? I need to get to class. I need to get to work. Can we just please stop this fighting? It stopped, Krish. हमारे भी जो था सब stop किया. और वैसे भी तुम्हारे पास मेरे लिए time कहाँ है? Oh sorry, time है work के लिए, studies के लिए, सिर्फ मेरे लिए time नहीं है. Krish and Meera fighting again. Listen, मैं यहाँ काम करने आया हूँ, पढ़ाई करने आया हूँ, मस्ती करने नहीं, okay? Oh nice. तो अब मैं तुम्हारी life में सिर्फ मस्ती हूँ? You know I didn't mean that, and those are really expensive shades. So. Oh, I hate you. I hate you too. Oh, idiot. क्या? तुमसे नहीं, मुझसे कह रही थी। I'm sorry कि आपको idiot कहा। It's okay. अपने मन में मैंने भी तुम्हें idiot कहा। That's 5 minutes in that direction over there, and then I thought we could stop somewhere to have ourselves a nice lunch. We could do like a 3-course, you know, with like a nice tea. That guy stole my phone. Dessert, really? You know, yeah, it's the oldest trick in the book. Bang into somebody and then steal their phone. Yeah, unka wallet kahan gaya wo? Officer, that guy stole my phone. He bumped into me and he stole my phone. A blue shirt. The oldest trick in the book. Come with me. That's what I said. That hey, guy, you. Stop him. Wait. In the blue shirt. Wait, in the blue stop shirt. Right there. Stop. Yep, that's him. Sir, did you take your phone? What? Can I see your phone, sir? Please. Yeah, sure. That's... Oh. Yeah, that's not my phone. When we banged into each other, it must have kind of got exchanged. When you purposely bumped into me. So, this is her phone, sir? Yes. Yes, but obviously, when we banged into each other, our phones must have got exchanged, right? So, you must be having my phone. Rubbish, you stole my phone. मैं तुम्हारा फोन क्यों चुराऊं? मुझे क्या पता लोग चोरी क्यों करते हैं? Sir, you're gonna have to come with yeah, me. But you need to check her for my phone. You have the right to remain silent. No, I don't want to remain silent. I just want sir, to. Sir, her phone was found on you. You've admitted the crime. Crime? If you don't come quietly, I'm going to have to forcefully arrest you. But why are you arresting? I mean, can you at least listen, dude? Ridiculous. Okay, you know what I'm thinking? I'm thinking, why don't we go up? Now, let's go to this place quickly, and then we can go up to the... Pick up now. Not mine. What? Happy birthday. Abhi kahan hai tu? It's his fault. एक दिन मैं घर से भाग गई। मैंने सोचा कि मैं अपने पेरेंट्स को एक सबक सिखाऊंगी। मैंने अपना सूटकेस पैक किया एंड मैं भाग। मैं 6 साल की थी और जो मेरा सूटकेस था ना, वो एक्चुअली मेरा लंच बॉक्स था। और मैं घर से गार्डन तक भागी। 20 मिनट बाद
जो मेरे लिए लाइक वन फुल डे था. मैंने सोचा कि अब तक तो मेरे पेरेंट्स सबक सीख रहे हैं, मुझे शायद वापस घर जाना चाहिए. मैं घर वापस गई ये सोच के कि मेरे पेरेंट्स रो रो के मुझे हग करेंगे और प्यार करेंगे, लेकिन उन्होंने मुझे डांट दिया कि बारिश में क्यों खेल रही थी और ये लंच बॉक्स कैसे टूटा. मुझे सब कुछ याद, सिर्फ ये याद नहीं कि मैं घर से क्यों भागी थी. So basically, जो चीजें हमें कभी कभी सूटकेस लगती हैं, वो एक्चुअली सिर्फ लंच बॉक्स होता है ना? True.